कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड किया था। यस, तो जी हाँ, हम फिर से आ गए। तो सही सुना आपने, जैसे कि हमारा Q&A वीडियो भी आ चुका है फिलहाल आपके सामने। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो Q&A पे होने वाला है। जैसे कि सभी लोग को पता होगा, हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं YouTube पे। तो थैंक यू सो मच प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए, ऐसे ही दिखाते रहो। बस इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्या, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन राजेश 1947ZS की तरफ से आया है। तो उनका क्वेश्चन ये है, अरे भाई मुझे भी मेरा YouTube चैनल बनाना है, तो मुझे नहीं पता है क्या करना पड़ता है, प्लीज़ मुझे बताओ। मैं बता दूं कि YouTube चैनल बनाने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन सा फ़ोन, मतलब अच्छा फ़ोन चाहिए या फिर कुछ भी। जो फ़ोन मिले आप बना डालो उससे ब्लॉग या वीडियो, कोई भी कैटेगरी का चैनल है उससे वीडियोज़ बना डालो। और आपका कंटेंट जो होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए, बस इतना ही बोलूँगा और क्या, और मेहनत करते जाओ। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है आदित्य DJ 14। भाई ने पूछा है, भाई आपकी टिकटॉक ID क्या है? बिग फैन ब्रो। ओके, थैंक यू सो मच ब्रो, लव यू। ओके, मेरी टिकटॉक ID है शेख फैसल 56, यहाँ मेंशन होगी, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुनील कुमार प्रजापति की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है, भाई उधर कोरोना वायरस नहीं है? तो फिलहाल इधर तो नहीं है अभी, बट उसका डर यानी कि आतंक सब जगह फैला हुआ है। मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है सब अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, और ये तो लेके चलिए आप लोग, और प्लीज़ स्टे होम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यासीन ऑफिशियल 54 की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है, तुम भाई NB भाई के कुछ लगते हो ना? यस ब्रो, हम लगते हैं उनके, हमारे चाचू हैं मतलब अंकल, तो हम उनके मतलब भतीजे लगते हैं जो भी हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेली स्टेटस 724 की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है, ब्रो अभी तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? यस, तो फिलहाल मैं अभी 8th में मतलब चले गया, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई बंद है। फिलहाल अभी मुझे एडमिशन करवाना है 8th क्लास में। तो जी हाँ, मैं अभी फिलहाल 8th में हूँ, समझिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूट्यूबर शिव की तरफ से। तो भाई ने पूछा है, भाई तुमको एक व्लॉग बनाने में और एडिट करने में कितना टाइम लगता है, और आपने व्लॉग चैनल बनाने को कैसे सोचा? NB व्लॉग भाई आपके सगे चाचू हैं। ओके, बता दूं मैं कि मुझे एक व्लॉग बनाने में, जैसे कि 5 मिनट का अगर कोई व्लॉग है, वीडियो है, तो उसको बनाने में मुझे आधा घंटा तो जाएगा ही जाएगा आराम से, अगर बनाना है। और एडिट करने की बात आई तो एडिट करने में मुझे लगभग से लगभग 1 घंटा पकड़ लीजिए, मैक्सिमम 1 घंटा तो लगता ही एडिट करने में। और रही बात यूट्यूब चैनल बनाने की, मतलब आइडिया मेरे पास कहाँ से आया, तो मैं बता दूँ फिलहाल, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मुझे मतलब स्क्रिप्टेड वीडियो, मुझे ही नहीं मेरी पूरी टीम को, मतलब हम लोग 4-5 जन थे, छोटे छोटे ही थे, बट बहुत मज़ा आता था हम लोग को वीडियोस बनाने में, बहुत इंटरेस्ट था, मतलब छोटे से ही थे जब से। तो हम लोग 2 वीडियोस बनाए भी थे स्क्रिप्टेड, वो वीडियो हमने कहीं पर अपलोड नहीं किया, ऐसे रखा हुआ है, टाइम आएगा दिखाऊंगा भी, बट अभी फ़िलहाल बात करते हैं। हमने 2 वीडियो बनाया था, तो मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट मिलने लगा उस वीडियोज़ में। तो हमने सोचा क्यों ना अब ऐसे ही वीडियोस बनाते, बट हुआ क्या, हमारे जो टीम वाले हैं ना बहुत बेकार हैं। किसी को कभी कोई काम याद आ जाता था, किसी को कोई, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, कोई ऐसा चैनल खोलो कि जिसमें मैं अकेले काम कर सकूं। तो हमारे चाचू ने आइडिया दिया हमको कि ब्लॉगिंग चैनल खोलो, स्टार्ट करो, जबकि वो भी पहले से स्टार्ट कर चुके थे ब्लॉगिंग चैनल, वो भी ब्लॉगर हैं एक। उन्होंने आइडिया दिया मुझे ब्लॉगिंग का, तो आज फिलहाल मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और हाँ, लास्ट में उन्हीं का क्वेश्चन है, भाई का बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में पूछा है, NB व्लॉग भाई आपके सगे चाचू हैं? तो जी हाँ, हमारे सगे चाचू हैं NB व्लॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आसिफ पठान की तरफ से। उन्होंने बोला है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो 1K यूट्यूब, इंशाल्लाह 1 मिलियन जल्दी होंगे, इंशाल्लाह होंगे, अगर आप चाहो, आपके हाथ में वो सब, तो आप चाहो तो जल्दी ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेडमी रियलमी राहुल की तरफ से। उन्होंने पूछा है, कौन सा मोबाइल है, मतलब मेरा कौन सा मोबाइल है जिससे मैं शूट करता हूँ।
सो मेरा मोबाइल अभी फ़िलहाल है, मतलब मेरा पर्सनल मोबाइल नहीं है, मेरे मम्मी का है। तो ये फ़ोन है रियलमी U1 जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ वीडियो और व्लॉग्स जिससे मैं बनाता हूँ। यस ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विहान दुर्गम की तरफ से। हे शेक ब्रोस, व्हाट इज़ अप, व्हाट्स अप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमांशु ठाकुर की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है, अच्छा भाई कहाँ पर रहते हो आप? सो मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंदर, एक छोटा सा गांव है, मतलब उसी में रहता हूँ। तो जी हाँ, मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस्टर कृष्णा 07 की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है, आपके गाँव का नाम क्या है? सो मेरे गाँव का नाम है मझावा खजरी। तो मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गाँव में। जी हाँ, तो बस सब क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, जितना आया था मेरे पास 15-16 क्वेश्चन आया था, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया और हो चुका है कंप्लीट Q&A हमारा वीडियो। तो बस आप लोगों से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सेफ रहिएगा, इस घर पे रहिए, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, कहीं भी जा रहे पुलिस वाले मार रहे हैं बाहर, अगर कोई भी जा रहा है तो हम तो बाहर निकलते नहीं हैं, फिलहाल घर में ही रहते हैं, क्यों नहीं, इसीलिए मैं शूट कर रहा था। बाय बाय, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय। तो फिलहाल मैं अभी एर्थ स्टैंडर्ड में हूँ, स्टैंडर्ड कहीं जल्दी।